या मेरे अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया इन्हें, मेरी इबादतों का यही सिला दिया। चलो उठो यहाँ से, उठो। क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? क्या जरूरत है तुमको बुआ जी की थाली में हाथ डाल के फूल उठाने की? अगली बार यहाँ पर आई ना तो हाथ तोड़ दूंगी। मम्मी गलती हो गई, मैं आगे से बुआ जी की थाली को हाथ नहीं लगाऊंगी। मम्मी मुझसे भी गलती हो गई। मम्मी कहती है कि हमें माता चोट उनको लगती है, इसलिए वो रो रही है। हाँ लगती है, बहुत चोट लगती है, जब बिना वजह मारना पड़े तो ज्यादा लगती है। नहीं लगेगी बाजी, बुरी नजर कमजोर लोगों को लगती है। हमारा रिश्ता टूट है, मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ। जी यही सच है, वरना सुजाता बाजी इतनी परेशान होते हुए भी इस घर में रहने के लिए मजबूर क्यों है? खुददार आदमी टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। टूट गई है घर का सारा काम कर करके। जब ये दोनों सगे भाई हैं, तो इन दोनों की माली हालत में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? रिश्तों को ही तो संभालना चाहती हूँ मैं, इसलिए सही वक्त पर सही फैसला जरूरी है। ऐसे लोगों को किसी से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मजहब की दीवार इतनी ऊंची और सख्त है कि इसे गिराना बहुत मुश्किल है। नहीं बाबू जी, हम छोटी छोटी खुशियों की तलाश में बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं। मैंने इससे कब इनकार किया है? मगर बुआ जी को उनकी बात का क्या बुरा मानना? मैं हंसते हंसते सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर सुजाता बहन के आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुजाता बाजी, सुजाता बाजी, बाजी, सलमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुजाता बाजी जी से कुछ काम है। तो इंतजार करना चाहिए था सर्वेंट क्वार्टर में। एहतियात और लापरवाही की बात तो तब पैदा होती है जब करीब रहे। दूरी इन सब से महफूज रखती है। यहाँ हम महफूज नहीं है। जाने दो प्राची, बच्चियां हैं, लालच में उठा लिया होगा। ये तो बच्चियां हैं, आप तो बड़ी है ना। लेकिन शंकर भाई भी कहाँ गैर है। सुजाता बाजी, आपने तो इन बच्चियों को सबसे बड़ी चीज दी है, वो है आपकी दुआएं जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। ये अदना चीज की क्या जरूरत है। अंतराबाजी एक पहेली की तरह है, जिसे जितना सुलझाओ उतनी ही उलझती जाती है। क्या पता दरार और दीवार दोनों खड़ी कर चुकी हूँ और किसी को नजर नहीं आ रही। अपना दुख तो फिर भी कोई सह लेता है, पर अपनों की कमी कभी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर खुद शंकर भाई मेहमानों की तरह रह रहे हैं यहाँ। सुजाता बाजी यहाँ कैसी जिंदगी जी रही है इस बात का एहसास तो होता ही होगा। बेटा, सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों का लगाव, तुम दोनों का प्यार है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप दोनों जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हम सब 40 गांव लौट जाएं। आमीन आमीन।